ओम शांति। आज मीठे बाबा के 9 तारीख के महावाक्यों की अनुभूति करेंगे। प्यारे बाबा ने आज हमें बोला, मीठे बच्चे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ, सवेरे सवेरे उठ बाबा से, बेहद ले बाप से मीठी मीठी बातें करो। बाबा कहते हैं, बच्चे विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। अनुभव करेंगे अपने को बाबा के सम्मुख हूँ, बाबा मुझसे बात कर रहे हैं, बाबा मुझको दृष्टि दे रहे हैं, बाबा मुझको शक्ति से, ज्ञान से, परमात्म प्रेम से भरपूर कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, ऊंचे ते ऊंच, ऊंचे ते ऊंच बाबा की महिमा बहुत भारी है। सर्वशक्तिमान बाप, बाबा कहते कि स्वयं बाप भी इस ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। अभी बाप सिखाते हैं, बच्चे मुझे याद करो, बाबा को याद करोगे तो सर्वशक्तिमान बन विश्व पर राज्य करेंगे। बाप कहते, बाप से योग लगाने से, बाबा को याद करने से शक्ति मिलती है, विश्व पर राज्य प्राप्त कर सकते। इतनी शक्ति बाबा कहते याद से मिलती है। बाबा स्मृति दिलाते हैं, ये नाटक है, हम सब जो आत्माएं हैं सब यहाँ पार्ट बजाने आई हैं। बाबा कहते नाटक अनादि बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। संकल्प करें, अनुभव करें, सृष्टि रंगमंच पे जो भी पार्ट चल रहा है वो सब इस अनादि अविनाशी ड्रामा का एक सीन है। मैं आत्मा भी पार्टधारी हूँ जो इस शरीर द्वारा अपना पार्ट प्ले करती है।
तो सारा दिन इस अभ्यास को अनुभव करेंगे कि ये ड्रामा है, सब आत्माएं एक्टर हैं और जो सब दृश्य चल रहे हैं वो सब ड्रामा के सीनरी हैं। बाबा कहते हैं ये अनादि ड्रामा आदि से अंत तक रिपीट होता है, रिपीट होता है, जरा भी फर्क नहीं। अभी बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, तुमको बाप बैठ समझाते हैं, बाबा कितना मीठा है, बेहद का बाबा है। बाबा आप कितने मीठे हो, सुबह को उठकर बाबा से, त्रिमूर्ति शिव बाबा से बातें करने में बड़ा मज़ा आता है। बाबा हमको याद दिलाते हैं कि अभी हमारे खुशी के दिन आते हैं। बाबा हमको खुशी की खुराक खिलाते हैं। अब हमको कौन मिला है, कौन मिला है हमको, बेहद का बाबा मिला है, आत्मा का बाबा परमात्मा मिला है। अभी मुझको, मुझ आत्मा को मेरा बाबा मिला है। अभी बाबा हमको फिर से स्वर्ग का मालिक श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों ने कलप कलप बाबा से अपना राज्य भाग्य लिया है, अभी फिर लेना है। कैसे लेंगे बाबा से राज्य भाग्य? बाबा कहते हैं बाबा की याद से, योग बल से जीत पानी है, पावन बनना है। अपने मन बुद्धि को बाबा से कनेक्ट रखेंगे और अनुभव करेंगे मैं आत्मा सर्वशक्तिमान बाबा की याद से, सर्वशक्तियों से चार्ज हो रही हूँ, पावन बन रही हूँ। बाबा से योग युक्त होकर विकारों पर जीत पा रही हूँ, स्थिति में स्वयं को स्थित करते हुए अनुभव करेंगे। बाप कहते हैं तुम बच्चे अभी हो सुख धाम के राही, तुमको तुम्हारा बाप बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाबा कहते बड़ा वंडरफुल है ना, बड़ा वंडर है, हम अभी बेहद के बाबा से डायरेक्ट राजयोग सीखते हैं। बाबा कहते अब तुम आत्माएं संगम पर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करती हो। गीता में भी अक्षर है, क्या अक्षर है, मन मना भव। अभी बेहद का बाप
गीता का भगवान अभी बेहद का बाप गीता का भगवान कौन बाप कहते हैं? मीठे बच्चे तुमको कौन कहते हैं? मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करो। क्या विचार सागर मंथन करना? बाबा डायरेक्शन देते, विचार सागर मंथन करो कि मनुष्यों को बेहद के बाप का, गीता के भगवान का परिचय कैसे दें। बाबा कहते, अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अपने ज्ञान के तीसरे नेत्र को अनुभव करें। अब बाबा द्वारा मिली हुई दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र को जागृत करें और इस नेत्र का ही प्रयोग करें। लौकिक में रहते अलौकिक स्थिति में रहना है, ज्ञान के इस नेत्र का प्रयोग करना है। अमरनाथ बाबा तीसरा नेत्र देने की कथा सुनाते हैं। मैं आत्मा जो मस्तक में विराजमान हूँ, अमरनाथ बाबा की कथा सुन रही हूँ, सत्य बाप की सत्य कथा सुनती हूँ, सत्य नारायण बनने के लिए। बाबा कहते हैं, सुनाने वाला कौन? कौन? एक ही बेहद का बाप जो है गीता का भगवान, त्रिमूर्ति निराकार शिव। फिर बाकी कौन? वो एक ही है तो बाकी कौन? बाकी है उनकी रचना। बाबा कहते हैं कि ज्ञान से तुम बच्चे सॉल्वेंट बनते हो। कैसे बनेंगे? बाबा के इस ज्ञान से हम बच्चे बाबा के आज्ञाकारी, बाबा के मददगार, सपूत बच्चे क्या बनते? बाबा कहते, सॉल्वेंट बनते हो। बाबा कहते, देखो देवताएं कितने धनवान पद्मा पद्म पति है ना, तो उनको ऐसा किसने बनाया? इतना धनवान इतना पद्मा पद्म पति उनको ऐसा किसने बनाया? तो ज़रूर उनसे जो ऊंचे हैं, ऊंचे ते ऊंच बेहद के बाप गीता के भगवान त्रिमूर्ति शिव निराकार ने बनाया। कब बनाया? संगम युग पर बनाया। बाबा कहते, ये भारत भूमि है ना, ये है अविनाशी खंड। बाप कहते हैं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र कैसे फिरता, अब बाप से आकर समझो। बाबा कहते, भारत, ये भारत भूमि महान पवित्र भूमि है। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि बेहद का बाप वर्ल्ड
ऑल माइटी अथॉरिटी हमको समझाते हैं, हमको डायरेक्शन देते। कौन देते? वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी। बाबा कहता है, तुम बच्चे बाप के मददगार बच्चे हो, तुम पवित्र बनते हो ना श्रीमत पर। राज योग माना याद। बाबा कहता है कि याद से विक्रम विनाश होते। स्थित करेंगे बाबा की याद में स्वयं को, अनुभव करेंगे आत्मा लाइट होती जा रही है, विकर्मों के बोझे से मुक्त होती जा रही है, एकदम लाइट। और बाबा कहते, पढ़ाई से क्या मिलता है? पढ़ाई से स्टेटस मिलता है। तो अभी क्या करना है? दैवी गुण भी धारण करने हैं, पावन बनना है, पढ़ाई भी करनी है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। तो ये पुरुषार्थ करना है। कैसे करना है, कब करना है? तो बाबा कहते, सवेरे उठकर बाप से मीठी मीठी बातें करो। बाबा कहते हैं, बाबा से बात करो, बाबा हम आपकी याद से सब स्थित हो जाएंगे। अभी बाबा से मीठी मीठी बातचीत करेंगे, बाबा हम आपकी याद से पावन श्रेष्ठाचारी बनते हैं, बाबा हम आपकी याद से पावन बनकर अब श्रेष्ठाचारी दुनिया में जाएंगे। बाबा से रू रिहान करना है, मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा कहते, ऐसी ऐसी बातें बैठकर बाबा से करो तो तुम्हारा जमा हो जाएगा। शिव बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं, बेहर का बाबा हमको बैकुंठवासी बनाते हैं। बैकुंठ को इमर्ज करेंगे, अपने को देवता रूप में अनुभव करेंगे। बाबा के बैकुंठ के इस वर्षे को बुद्धि के बल द्वारा इमर्ज करके अनुभव करेंगे, उस दुनिया के अंदर स्वयं को अनुभव करेंगे। बाबा कहते, तुम हो ऑलराउंड पार्टधारी। बाप कहते हैं, तुमको खुशी होगी, बहुत मज़ा आएगा जब ऐसे ऐसे श्रीमत अनुसार पुरुषार्थ करेंगे तो खुशी की अनुभूति होगी, इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा। बाबा कहते हैं, फुर्सत बहुत है। जब व्यापार में कमाई होती है ना, तो मनुष्य को नींद नहीं आती है। जब अनुभूति होती है तो निंद्रा जीत बन जाती है। आत्मा जितना हो सके, तो बाप कहते, अब क्या करना है? जितना हो सके कमाई करो। कमाई करो माना शिव बाबा को याद करते रहो, अजपा जाप अंदर ही अंदर चलता रहे। इस कमाई में
एकदम बिजी हो जाना है। बाबा कहते रोज रोज, अभी क्या करना है, रोज रोज खुशी की खुराक खाकर। कौन सी खुराक खानी है, खुशी की खुराक खाकर अतींद्रिय सुखों के अनुभव में रहना है। बाबा चाहता है बाबा का बच्चा कैसा रहे, खुशी की खुराक खाए और अतींद्रिय सुखों के अनुभव में रहे। बेहद का बाबा, बेहद का बाप, गीता का भगवान, त्रिमूर्ति निराकार शिव। अब बेहद के बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। कैसे बनेंगे मददगार? मददगार बनना है माना पावन बनना है। अब बाबा ने आज जो वरदान हमको दिया है, अनुभव करेंगे आज बाबा के वरदान को, अभ्यास करेंगे। सम्मान में स्वयं को स्थित करेंगे। मैं कौन, मैं कौन, तो बाबा ने याद दिलाया, बाबा ने वरदान दिया, आप सब स्थिति में स्थित रहे, सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम योगी विजय रतन आत्मा हो। तो मैं कौन? मैं आत्मा अपनी सब स्थिति सत्य स्थिति में स्थित, स्वयं के सम्मान में स्थित। मैं संगम युगे विजय रतन आत्मा हूँ। विजन क्रिएट करेंगे, अपने आप को उस विजन में एकाग्रचित करेंगे। मस्तक पर ब्रह्मकटी अकाल तख्त पर विराजमान अपने अनादि ज्योति स्वरूप में स्थित, मैं आत्मा संगम युगी विजयी रतन आत्मा हूँ। वरदाता बाबा के इस वरदान का अनुभव करेंगे। श्रेष्ठ संकल्प की रचना करेंगे, मस्तक में बिंदु रूप में एकाग्र हो संकल्प करेंगे, मैं संगम युगी विजयी रतन आत्मा हूँ। सतगुरु बाप के इस वरदान की लिफ्ट का अनुभव करेंगे। संगम युग में मैं आत्मा सब स्थिति में स्थित रहे, हर परिस्थिति पर सहज ही विजय प्राप्त करने वाली
संगम युगे विजय रतन आत्मा हूँ। अपने इस सम्मान में स्थित कर देंगे मन को, बुद्धि को, इस श्रेष्ठ समर्थ शक्तिशाली स्थिति में स्थित हो, इस ईश्वरीय वरदान की अनुभूति करेंगे। बाबा ने मुझको वरदान दिया है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप ने मुझको वरदान दिया है, मैं आत्मा सदैव स्वयं की सत्य स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ समर्थ संकल्पों में स्थित रहने वाली संगम युगी विजयी रतन हूँ। हर परिस्थिति पर सहज ही विजय प्राप्त करने वाली मैं आत्मा सदा ही स्वयं की सत्य स्थिति में स्थित रहती हूँ। निर्विघ्न रहने वाली मैं आत्मा संगम युगी विजयी रतन हूँ। अपने आप को मस्तक में महसूस करेंगे, इस देह से अलग हूँ मैं आत्मा, मेरा ओरिजिनल रूप ज्योति रूप है, चमकता हुआ मणि है। स्लोगन के द्वारा भी बाबा ने यह अनुभव कराया कि जो परिवर्तन शक्ति है उसको कहाँ यूज करना है। अपने हर संकल्प को चेक कर परिवर्तन शक्ति माना वेस्ट संकल्प को श्रेष्ठ संकल्प में चेंज करना, तो इसको हमें यूज करना है। परिवर्तन शक्ति के द्वारा व्यर्थ संकल्प को चेंज कर समर्थ संकल्प में समर्थ स्थितियों में स्थित रहने वाली मैं आत्मा संगम युगी विजयी रतन हूँ। इसी अभ्यास को दिन भर में अटेंशन द्वारा हमको रिपीट करके इन अनुभूतियों को पूरा दिन अनुभव में लाना है। ओम।